हर 2 साल के बाद एक बार पासिंग करना पड़ती है। सब लाइट वाइट चेक करना पड़ते इसमें, और ये ब्रेक वगैरह स्विच जितने भी वायरिंग के स्विच है वो सब चेक करना पड़ते हैं, सब चेक करना पड़ता है। नहीं, पार्किंग लाइट अपने दोनों इंडिकेटर, पार्किंग लाइट अलग से, इंडिकेटर अलग अलग से, हेडलैम्प वगैरह, वाइपर मोटर वगैरह। हमारे पार्किंग का पेपर दिया, ला फाइल ला इधर, लो मास दे मेरे को, मास जरूरत नहीं फिर भी दे ला। नॉर्मल मास भी तो मेरा, अच्छा ठीक है। गाड़ी हमारी है ना, सामान बाहर कुछ नहीं है ना? हाँ नहीं है। चलो ये पुणे का है, जब पुणे में रहते हैं वो देख के समझ लो कैसा पासिंग होता है। अभी हमारे पीछे बहुत सारे रिक्शा है, 2 साल में एक बार पासिंग करना पड़ता है। अभी हम लोग पासिंग करने के लिए लोग क्या क्या पूछेंगे वो सब बताऊंगा आपको, ठीक है। ये देखो मेरा गाड़ी, अभी देखा इंस्पेक्टर साहब गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर को पीछे बिठाना पड़ता है और इंस्पेक्टर साहब आगे गाड़ी चलाते हैं। तो देखा इंस्पेक्टर साहब गाड़ी लेके चले गए। फुल इंस्पेक्टर गाड़ी चलेंगे और ड्राइवर पीछे बैठेगा। ये सब वन बाय वन 2 इंस्पेक्टर चेक करते हैं, वापस आते हैं। आरटीओ बोले तो सब लगते हैं पे, इंस्पेक्टर वगैरह सब। चला बाकी तेरे चढ़ा और बाबा अपने अपने रिक्शा बसून जा। वो 2 मिनट सही था, आता तीसरा वेळ पण बसून जा और मेरा सही लगता। बहुत इतना इंस्पेक्टर लोग गाड़ी चला के जाते हैं और वहाँ से उनके एजेंट चला के आते थे, डॉक्यूमेंट्री उनके पास साइन वगैरह सब करते थे। सो अपना अपना गाड़ी परफेक्ट रखना है। मित्रांनो आणि इकडनं पण घ्या, आज आपण दरवर्षी प्रमाणे रस्ता सुरक्षा महिला हा का साजरा करतो कोणी मला सांगू शकेल? अरे तुमचा सहभाग असेल तर